तो भैया आलू टिक्की हो तो ऐसी आवाज आ रही, करारी की करारी, क्रिप्सी की क्रिप्सी, लच्छेदार की लच्छेदार, बास्केट चाट का मजा फ्री में, ठीक है ना, और दिखने में मतलब ऐसी खूबसूरत दिखे कि हर एक का मन कर भैया खा ले। ऐसी सर्व गुण संपन्न आलू टिक्की के लिए म्यूजिक के उस पार मिलिए, है ये देखिए आ रही है आवाज। कॉलिंग एंड एक्शन। बेसिकली ये जो रेसिपी है ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। रणवीर हमको बास्केट चाट बनानी है लेकिन हमारे पास वो बास्केट वाला चक्कर नहीं है, है ना, वो जुगाड़ नहीं है, बास्केट का मोल्ड नहीं है। दूसरा रणवीर हमको आलू टिक्की बनानी है लेकिन हमारी आलू टिक्की अभी क्रिस्पी नहीं होती, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके साथ, ठीक है जी। तो सबसे पहले आलू टिक्की की फिलिंग बनाते हैं। कभी भी आलू को तलना है और क्रिस्पीपन चाहिए तो पहाड़ी आलू, जो कि बाहर से रफ होता है, खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता। और आलू को कभी भी एकदम से ओवर बॉयल ना करें, मतलब आलू को 90% ही कुक करें जब भी आपको आलू टिक्की बनानी है। जितना आप पानी डालेंगे बाद में उतना उसका पानी सुखाना पड़ेगा। अब इस आलू के अंदर थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, क्योंकि आलू अदरक का मेल बड़ा अच्छा है। अब नमक, आलू टिक्की में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, मसाला जो है वो ऊपर से आता है सूखा मसाला। पहले अगर आप मसाला डाल देंगे टिक्की के अंदर तो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए नमक, मिर्च, हल्की सी अदरक। और अगर आप फिलिंग डाल रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर फिलिंग नहीं डाल रहे हैं तो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ धनिया। इधर मैंने ना फिलिंग का प्रोग्राम चालू कर दिया है, वो टिक्की ही क्या जिसमें कि फिलिंग्स ना हो। तो टिक्की की फिलिंग्स के लिए उधर काजू हो रहा है हल्का सा रोस्ट, इधर अदरक हो रहा है चॉप, फिर होगा धनिया हरी मिर्च चॉप, बाद में उसके अंदर डाल दी जाएगी चना दाल सोख की हुई। देखिए फिलिंग सही की आएगी इसके अंदर, है ना, तो इसलिए फिलिंग में कंजूसी मत करिए मिर्ची विर्ची में। ये आ गया हमारा काजू, इसको भी कर लीजिए चॉप। अब आप इसको शाही आलू टिक्की बोल सकते हैं। अरे वाह, नाम मिल गया भाई साहब हमको, थंबनेल के लिए नाम मिल गया। क्या है ना, जिसमें काजू डाल दो वो शाही हो जाते। तो ये हो गई है शाही आलू टिक्की, मतलब ऐसा सीन हो गया, काजू बादाम आम आदमी तो खाते ही नहीं थे, बस राजा महाराजा ही खाते थे, जहाँ काजू गया बादाम गया वहाँ शाही हो गया। मैं नहीं, 90% यूट्यूब रेसिपीज देख लीजिए भाई साहब, शाही मतलब ड्राई फ्रूट। क्या है कि धनिया नाजुक होता है, पानी ज़्यादा होता है, कई बार शेल्फ लाइफ कम कर देता है। धनिया की डंडी से शेल्फ लाइफ कम नहीं होती है। दूसरी चीज़, बारीक बारीक चॉप किया हुआ है ना इसको, तो ये फ्लेवर अपना अच्छे से लंबे समय तक फिलिंग के अंदर देगा। सब बता दिया मैंने, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, है ना। अभी फिलिंग के अंदर आप चाहें तो थोड़ी किशमिश डाल सकते हैं, किशमिश जो है वो हल्की सी मिठास ऐड करेगी। अगर किशमिश नहीं है तो थोड़ा सा खजूर वजूर चॉप करके डाल सकते हैं। फिलिंग शार्प होनी चाहिए, फिलिंग में मसाले तेज़ होने चाहिए, थोड़ी सी फिलिंग जाएगी ना तो किक आनी चाहिए उसकी। फिलिंग में बाइंडिंग देने के लिए थोड़ा आलू ऐड कर देते हैं।
अभी वो बात करते हैं जो सब जगह इंटरनेट पे हो रही है कि आलू टिक्की को क्रिस्पी कैसे बनाएं। एक तो ये कि पहाड़ी आलू यूज करें, दूसरा ब्रेड वाली ट्रिक जो है वो ना भूलें। ब्रेड का सफ़ेद हिस्सा लें, उसको अपनी आलू टिक्की में मिला लें। मिलाने से पहले उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार लें या ब्रेड को पहले भिगो लें। अब इस भीगी हुई ब्रेड को आलू के साथ मिक्स कर लें। ब्रेड क्रम ब्रेड क्रम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेड का सफ़ेद हिस्सा लेना है, उसको भिगोना है और मिक्स कर देना है। ये लीजिए, इसके पेड़े बना लेते हैं, बड़े बड़े बनाएंगे साहब। क्या है कि बास्केट टाइप की बना रहे ना चाट, तो एक पोर्शन में एक आलू टिक्की बहुत। अभी इसके अंदर करनी है फिलिंग। जगह बना लीजिए अच्छी खासी, ठीक है। ऐसे देखिए कप बना लिया, ऊपर से जो है कप का मुंह पतला किया है, साइड्स जो हैं ये लिप्स जो है ना इसके ऊपर के, इसको पतला कर लीजिए। चाहे तो हल्का सा हाथ गीला कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आलू चिपक रहा है हाथ में, बीच से दबा दीजिए। ये गई फिलिंग। अगर आलू में एक्स्ट्रा पानी है तो वो चना दाल खींच लेगी, इसलिए फिलिंग को ड्राई रखें, ज़्यादा गीला ना करें। अभी ये देखिए फिलिंग को दबाएं बीच से और बंद कर लें अपनी आलू टिक्की का मुंह। फिलिंग अगर थोड़ी बाहर निकल जाएगी ना, साइड से कुछ नहीं होगा, है ना, कि चीज़ वीज़ तो है नहीं कि फिलिंग फट के बाहर आ जाएगी, अपनी शेप मेंटेन रखेगी। दुकान में क्या करते हैं, दुकान में वो ऐसे गोले बना के रख लेते हैं। देखिए ऐसे दबा देते हैं फिलिंग को, दबाने के बाद ऐसे गोले बना लेते हैं। देखिए ऐसे टेनिस बॉल टाइप के गोले बने होते हैं। तो जब आलू टिक्की आती है सिकने के लिए, एटलीस्ट लखनऊ में ये करते हैं कि ऐसे गोले बना लेते हैं, है ना। तो आलू टिक्की के गोले आते हैं दुकान में ट्रे में लग के, टिक्की जो है बाकी जो फ्लैट जो है वो तवे के ऊपर होती है। देखिए ये तो हो गया एक भाग जो कि यह है हमारी टिक्की और फिलिंग। दूसरा भाग मसाला। मसाला बनाने के लिए जो चाट मसाला है, खासतौर टिक्की का चाट मसाला है, उसमें जाएगा जीरा, थोड़ा नमक डाल देता हूँ, सौंफ, काली मिर्च, हींग, धनिया, सिर्फ दो पीस लौंग। लौंग ऑप्शनल है, मैं डालना तो मत डालिए। इसको भूनना कब तक है, इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये जो धनिया है एकदम नाइस एंड ब्राइट येलो ना हो जाए, हैं? जैसे ही येलो से ब्राउन की तरफ धनिया जाने लगे इसका मतलब मसाला भुन गया है। अभी आपको पता है क्या करना है, अभी इसको पीस लेना है, ठीक है। जब पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल मोटा भी नहीं रखेंगे, बीच में कहीं रखेंगे, है ना। प्लीज थैंक यू। हाथ जल गए। अभी काम नंबर तीन, चटनी का जुगाड़। क्या होता है ना चटनी में हम अक्सर अटक जाते हैं कि अरे यार रणवीर ये तो ये जो इमली की चटनी है इसको तो बड़ा टाइम लगता है। मैं आपको एक चटनी बता रहा हूँ, उसमें इमली भी हो जाएगी, मिंट, पुदीना, जिंजर फिंजर सब हो जाएगा। ये तो हमने एक चाशनी बना ली गुड़ की, दूसरा ये सोख करी हुई इमली है अपने पास। अगर मान लीजिए कि आपकी इमली सोख नहीं है तो इमली को पानी में डाल के माइक्रोवेव में डाल दीजिए और पानी खूब रखिए उसके अंदर, बिकॉज इवेंचुअली इमली सोक करने का मतलब तो ये है कि इमली का पानी यूज़ करेंगे हम। गुड़ की चाशनी के अंदर ये अपना इमली का पल्प जो है वो डाल दिया, पकाया बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही डाल दिया उसको।
बेसिकली ये एक खट्टा मीठा जुगाड़ बना लिया है यहाँ पे हमने। इसको देना है तड़का हींग और जीरे का। ये वाली जुगाड़ चटनी जो है ना बना के रख लीजिए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दही भल्ला है, चाय कचौड़ी है, चाय जो भी है, सबके साथ एक ही चटनी में काम हो जाएगा। बेसिकली मिंट और इमली चटनी का एक मिक्सचर सा है ये, और आमतौर पर इमली की चटनी को पकाने में लगता है बड़ा टाइम, यहाँ पर वो सारा चक्कर ही नहीं है। अब इसको पीस लेना है। आप जाएंगे मैं जाऊं? थैंक यू। अब एक ग्रेटर लें और आलू के लंबे लंबे लच्छे निकाल लें। देखिए आलू को छीलना चाहे छीलें, नहीं छीलना चाहे ना छीलें। उसके बाद इसके अंदर डाला थोड़ा नमक, तेल डालना बहुत जरूरी है वरना आलू काला पड़ जाएगा। बारीक चॉप धनिया, काली मिर्च अगर डालना चाहें तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये बेसिकली आपकी बास्केट चाट का जुगाड़ बन गया आलू टिक्की के साथ। अभी क्या ना, देखिए आपको करारापन मिलेगा एकदम बास्केट चाट वाला, लेकिन सांचे की ज़रूरत नहीं है, मोल्ड की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब आम के आम और आलूओं के दाम, ठीक है। अभी देखिए दो चीज़ें कर सकते हैं आप, एक तो ये कि आलू टिक्की अलग से सेक लीजिए, अलग से सेकने के बाद क्रिस्पी करके आलू टिक्की इसके अंदर डालिए, दूसरा आलू टिक्की को इसके अंदर डाल के साथ में सेक लीजिए। आपको दोनों फार्मूले दिखाया था, दो बार बनाऊंगा मैं। ये देखिए टोकरी बननी शुरू हो गई, रेडी हो गई, ये जुड़ गई, चिपक गई, और ये टोकरी को पलट के इसके अंदर डालिए आलू टिक्की। इसको करिए हल्का सा फ्लैट, देखिए यहाँ पर फोल्ड करते समय ध्यान ये रखना है कि जो आलू है जैसे ही वो शेप पकड़ ले, यानी कि रंग ना पकड़े, शेप पकड़ ले, जब वो धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लग जाए उस समय उसको टिक्की के ऊपर फोल्ड करना है, क्योंकि आलू उस समय लचीला होगा। अगर आपने आलू पहले ही ज़्यादा पका दिया पैन के अंदर तो फिर वो लचीलापन आलू का चला जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। ऊपर वाले आलू डालने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मामला क्रिस्पी नहीं होगा अंदर से, तो डबल सेफ्टी हो जाती है। अभी क्या है ना, इसमें कितने टेक्सचर हैं, देखिए बाहर का क्रिस्पी, क्रिस्पी को यूट्यूब स्टाइल में दिखाऊं क्या, ये देखिए, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ टिक्की अलग से सेकने का और फिर उसको बास्केट में भरने का। तो ये देखिए एक तरफ टिक्की अलग सिक रही है और दूसरी तरफ बास्केट अलग बन रही है बगैर सांचे के। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो रसेट पोटैटोज ले सकते हैं या फिर आइडाहो पोटैटोज ले सकते हैं, आपको वही पहाड़ी आलू वाला टेक्सचर मिलेगा। ब्यूटिफुल, एक आलू टिक्की खाइए और एकदम मानसून के, सर्दियों के, मतलब मौसम के मज़े लीजिए, एक में गुजारा हो जाएगा। और ऊपर से ये देखिए अब भी एक्चुअली ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है पड़े पड़े। अब इसी करते हैं प्लेटिंग, पहले तो आप सामान दीजिए भाई, मसाला वसाला चटनी तो आप चुपचाप रख गए, मसाला दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये है जी हमारा लखनऊ का चाट मसाला।
ये देखिए, ये हमारी चटनी है, इसमें पूरे मजे हैं, इमली की चटनी के भी और हरी चटनी के भी। तो इस तरह आप एक बार फिर वापस आ गए वहां से जहां से वीडियो हमने किया था शुरू, मेरे खाने पे, ताकि आपको थोड़ा सा लालच और दे सकूं, थोड़ा आपको मोटिवेशन और मिले के बना लिया जाए और थोड़ा मैं और खा सकूं। देखिए, अब तो वीडियो खत्म हो गया है। अब चाहे आपने 1x स्पीड पे देखा हो या 2x स्पीड पे, रेसिपी तो पता लग गई है ना, तो बनाइएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लालच आया।